आप सभी को रियल नंबर के बारे में स्टडी करा रहे हैं। आज हम सभी रियल नंबर स्टडी करेंगे। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? तो ए नंबर विच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको जानिए सबसे पहले कि जिस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। जैसे 3/2 है, -5/2, √5, √3/2, इसका स्क्वायर किया जाए तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9/4, तो प्लस में आ रहा है। -5/2 है तो -5/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लीकेशन करने पर प्लस हो जाएगा आपका 25/4। यानी इसका भी माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। √5, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो आप समझते हैं इसका स्क्वायर जो है 5 आया। तो 5 जो है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो √5 एक रियल नंबर होगा। अब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है, जैसे -5 का अंडर रूट रहेगा तो -5 का अंडर रूट कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो -5 ना बच रहा है, तो -5 निगेटिव नंबर आ रहा है। तो माइनस में यदि आपको दिया हुआ हो और उसका -5 का अंडर रूट है, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको कोई नंबर दिया हुआ हो तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, आयोटा बोला जाता है। यह रियल नंबर नहीं होता है क्योंकि इसका स्क्वायर निगेटिव है। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। अभी आप लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। दूसरा डिफिनेशन है इसका कि ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। जैसे ये आपका नंबर है 3/2, -5/2, ये सब जो नंबर है इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 है, √3/2 है, ये सब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको हम लोग रियल नंबर कहा जाता है, और जिसको मतलब कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इसका डिफिनेशन दिया गया है रियल नंबर का कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। मतलब रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं तो हम लोग उसको रियल नंबर कहेंगे। तो ठीक है, आप देखेंगे हम लोग कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, इसके दो टाइप्स है, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो कोई नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यहां पर जहां p एंड q क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर्स हो एंड q इक्वल नॉट टू जीरो। इसका मतलब है कि दो टू इंटीजर को हम लोग यदि फ्रैक्शन के रूप में लिख दें, ऐसा कि उसमें वन के अदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे देखिए, यदि 30/25 लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, 30 भी यहाँ इंटीजर है और 25 भी यहाँ इंटीजर है, लेकिन यह अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होगा कि इसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 5 और 5, 5 से ये भी आपका डिवाइड मतलब डिविजिबल है और 25 भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 जो है 30 एंड 25 दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसलिए 30/25 जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 6/5 जहां पर आपको दिया हुआ है तो 6/5 को हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, क्योंकि 6 का फैक्टर्स होंगे आपका 1, 2, 3 एंड 6 और 5 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5। तो एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है,
इसलिए यह अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग इसका पी वाई क्यू के फॉर्म में कहेंगे, और यह अपना रेशनल नंबर जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इंटीजर तो समझ गए कि पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए, और क्यू इक्वल नॉट टू जीरो, क्यू जो है यानी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर जो है यदि न्यूमरेटर जो है वह जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। यदि आपको दे दिया जाए कि जीरो बाय फाइव इसका वैल्यू कितना होगा तो जीरो होगा, लेकिन यही बात दे देता है कि फाइव बाय जीरो तो इसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड है या अभी तक डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको अभी पता नहीं कर सके हैं कि फाइव बाय जीरो का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में हम लोग अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। रेशनल नंबर में सबसे फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब आप लोग जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये वन से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर इनफिनाइट तक जाएगा, मतलब इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। वन से स्टार्ट होगा यानी काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये इसमें काउंटिंग नंबर्स होते हैं। आप शॉर्ट में इसको डिनोट कर सकते हैं काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर, होल नंबर होगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वैसा भी, तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, इसमें जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर जो आएंगे ना और उसमें एक तो जीरो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर, मतलब यह जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद है इंटीजर्स, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सभी और उसके निगेटिव्स टुगेदर विद जीरो, उसमें भी जीरो होगा, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सभी और जीरो के साथ और उसके निगेटिव, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर ये सब आपको इनफाइनाइट तक, और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये डॉट डॉट हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब ये जीरो जो है उसके राइट साइड के पॉजिटिव होंगे यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब जो होंगे इनफिनाइट कर जाएगा आपको इंटीजर्स में, और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये सब जो होगा माइनस इनफिनाइट कर जाएगा, इसको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। अब है इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर आप जानते होंगे कि जो टू से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहते हैं, लेकिन यहाँ आप टेंथ क्लास में पढ़ रहे हैं तो अब इसका डिफिनेशन जो है वह चेंज हो गया है, मतलब आप जानिए आप कि अ नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ 2n इज कॉल्ड इवन नंबर। जो 2n के फॉर्म में होगा उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे, जहां पर n जो है ना वो कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, या कोई कोई बुक में दे देता है कि n जो है कोई इंटीजर भी होना चाहिए, तो बात सही है, n बिलोंग्स टू कोई एनी इंटीजर्स, किसी कोई भी इंटीजर हो जाए तो उसको हम लोग जो 2n के फॉर्म में रहेगा जहां पर n जो है कोई भी इंटीजर होगा उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। और उसी प्रकार है आपका ऑड नंबर, तो जो 2n प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा जहां पर n जो है n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो उसको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे जो 2n प्लस 1 के फॉर्म में होगा। जैसे देखिए एग्जांपल है, इवन नंबर का एग्जांपल आप ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2 4 6 ये सब इवन नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इनटू 1 यानी 2, तो 2 को हम लोग 2 इनटू 1 लिखें, इसका मतलब है कि n यहां पर इंटीजर्स है, मतलब 1 है n की जगह पर आपका 1 है, 2 into 2 is equal to 4 है, तो 4 भी आपका 2n के फॉर्म में है जहां पर n जो है आपका 2 है, और यहां पर आएगा ऑड नंबर में तो ऑड नंबर है 2n plus 1, तो 2n plus 1 जो है तो आपको यदि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 5 51 61 ये सब आपका ऑड नंबर है, इसको हम लोग 2n plus 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 into 2 plus 1 जो आपका n जो है यहां पर 2 है तो वो इंटीजर है। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर में। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर का मतलब है कि जिसके मैक्सिमम टू फैक्टर, प्राइम नंबर हम लोग देखेंगे तो प्राइम नंबर में आपको हम बता रहे थे कि जिसमें वन मैक्सिमम टू फैक्टर्स होंगे, जिसके मैक्सिमम टू फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5, तो 5 का फैक्टर्स है आपका 1 एंड 5, दो ही तो फैक्टर है इसका, इसको 5 को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। 7 हो गया, 11 हो गया, इसमें आपका ओनली टू फैक्टर्स है, इसलिए 7 को 11 को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं।
अब आते हैं कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर का मतलब है कि जिसमें मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब दो से अधिक फैक्टर्स जिसमें होंगे, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं, और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो स्वयं से कटेगा और एक ठो वन से कटेगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर में होगा कि वह स्वयं और वन के अलावा अदर नंबर से डिविजिबल होगा, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे एट है, तो एट का फैक्टर्स हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 8, तो इसका मतलब है कि 1 और 8 से तो डिविजिबल है ये है, और 2 और 4 से भी नया डिविजिबल है, इसलिए इसके फैक्टर्स जो है 4 है, 4 तो इसके फैक्टर है, इसलिए 8 को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है। ये सब 18 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है। उसके बाद है को प्राइम्स। को प्राइम्स को बढ़िया समझिएगा। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब है कि वैसा दो नंबर, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। को प्राइम में दो नंबर होंगे जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वे नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 में 2 के सभी फैक्टर्स आप देखिए, तो 2 के फैक्टर्स आप देखिएगा तो 1 और 2 होगा, 3 में देखिएगा तो इसका फैक्टर 1 और 3 होगा, तो एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 और 3 जो है को प्राइम का एग्जाम्पल होगा। कोई दो ठो लगातार संख्याएं, कंसेक्यूटिव दो ठो नंबर रहेंगे ना, वे हमेशा को प्राइम होते हैं। और दो ठो प्राइम नंबर, जैसे कि आप ले लीजिए 7 और 11, तो 7 और 11 भी हमेशा को प्राइम ही होंगे, मतलब दो ठो प्राइम नंबर कहीं का ले लीजिए, वे को प्राइम ही होगा, उनमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप समझ गए को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वैसे दो नंबर होंगे जिसमें 1 के अदर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और जैसे आप ले लेते हैं कि 15 और 21, इसको चेक करते हैं को प्राइम है कि नहीं। तो 15 के सभी फैक्टर्स आप देखिए, 15 के फैक्टर्स आप लिखिएगा, तो 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपको 1, 3, 5 और 15। 21 का आप फैक्टर लिखिएगा, तो 21 का फैक्टर्स हो जाएंगे आपको 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, और 21 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 दोनों में है, यानी कॉमन फैक्टर 1 है, और 3 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी दोनों में आ रहा है, इसलिए 15 और 21 को हम लोग को प्राइम नहीं कहेंगे, ये को प्राइम नहीं होगा। और वैसे नंबर जिसमें एक के अदर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। देखिए अब है पढ़ना हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब है कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन, ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड, डिवीजन का मतलब विभाजन, और एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड साहब डिवीजन के लिए एक एल्गोरिथम दिए, उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, यानी EDA कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एक तो लेमा होता है, लेमा पढ़ना है। लेमा क्या होता है? मतलब प्रमेयिक है, इसका हिंदी है प्रमेयिका। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, और इसको इसके मदद से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मतलब इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, मतलब अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में इसका यूज किया जाता है। तो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है? लेमा के तरह ही लेमा और एल्गोरिथम ये तो डिफरेंट है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक स्टेप है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग उसका यूज करते हैं। ए सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने में एक रूल्स का यूज करते हैं, उस रूल्स को हम लोग एल्गोरिथम करते हैं। या तो बता रहे थे कि एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम एक स्टेप होता है, किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो जो स्टेप हम लोग यूज करते हैं उस स्टेप को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। अब उस स्टेप से
किस टाइप से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे एल्गोरिथम का यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में है, होता है। एलसीएम एचसीएफ जैसे आप निकालते हैं तो उस सब में एल्गोरिथम का यूज हम लोग करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब वो स्टेप, जैसे 2 and 2 को हमको ऐड करना है तो 2 और 2 को लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कॉलम मेथड में 2+2, तो 2+2 लिख रहे हैं तो अब इसको ऐड कर रहे हैं। तो यह जो हम लोग स्टेप यहाँ अपनाए हैं उस स्टेप को हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे, 2 and 2 = 4। या फिर बहुत सारे मैथमेटिक्स को बनाने के लिए इक्वेशन बना रहे हैं आप, तो उसमें स्टेप अपनाते होंगे, उस स्टेप को हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। अब है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, तो दिए यूक्लिड साहब तो उसको हम लोग यूडीए के नाम से जानते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है कि इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ए एंड बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं देन क्यू एंड आर अदर आर other positive integers present in them such that a is equal to b2 plus r। मतलब a and b दो तो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो और उन्हीं में q and r दो तो पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट होता है such that इस प्रकार की a is equal to b2 plus r। मतलब a का मतलब हो जाता है यहां पर डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप जानते हैं इस बात को, पहले भी आप जानते थे लेकिन इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाएगा ये बात आप नहीं जानते थे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही बात बताई गई है कि ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए होंगे तो उसमें दो पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर भी प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार की ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको वह सेटिस्फाइड करेगा। वेयर आर, आर जो यहां पर दिया हुआ है वो आर जो है वह ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन बी। मतलब आर जो होगा यानी रिमाइंडर जो बचेगा वह रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन बी, और डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा रिमाइंडर। अब जानते हैं कि रिमाइंडर जब भी बचेगा वह डिवाइजर से छोटा ही रहेगा और 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा यानी डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो ए क्या है आप समझ रहे हैं, ए को हम लोग डिविडेंड कहेंगे, बी को डिवाइजर कहा जाएगा, क्यू को मतलब कोशेंट और आर का मतलब रिमाइंडर। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहां किया जाता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ फाइंड करने में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने में करेंगे। इसके यूज से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, समझ गए। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए फाइंड द एचसीएफ आएगा क्वेश्चन ऐसा कि फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है, और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 135 and 225, यानी 225 एंड 135 का एचसीएफ फाइंड करना है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो इसमें दिया हुआ रहेगा कि जो बड़ा होगा वो ए होगा यानी डिविडेंड मानेंगे उसको, और जो छोटा रहेगा उसको डिवाइजर मानेंगे, यानी 225 जो है आपका ए हो गया यानी डिविडेंड हो गया, और 135 को हम लोग डिवाइजर मानेंगे तो ये बी हो गया। तो ए एंड बी आपको पता चल गया। उसके बाद आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ये से आप जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, यहां पर लिख देंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम a के जगह पर पुट कर देंगे 225 यानी 225 हो जाएगा, और b के जगह पर पुट कर दीजिए 135। अब क्या कीजिएगा कि 135 से 225 में डिवाइड कर दीजिएगा,
तो डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स 135 हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 9, मतलब आपका रिमाइंडर आ गया 90। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्यूब के जगह पर कितना लिखेंगे 1 और प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 90। तो यानी 225 इज इक्वल टू 135 इनटू 1 प्लस 90। तो जो आर जो है यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आया, आर रिमाइंडर जो है वह 0 नहीं आया, इसलिए इस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप। यही एल्गोरिथम है, ये स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यही एल्गोरिथम है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 135 को यहाँ पर लाएंगे, 135 आपका आ जाएगा डिविडेंड बन करके, और ये जो आपका रिमाइंडर था वो हो जाएगा आपका डिवाइजर, यानी 90। अब 90 से डिवाइड कीजिएगा, 90 से डिवाइड कीजिएगा 135 में, तो 1 टाइम्स होगा यहाँ आ जाएगा 45। तो 90 इंटू 1 प्लस 45 कीजिएगा, यानी 1 टाइम्स लगाया तो क्वेश्चन 1 हो गया, रिमाइंडर आपका 45 आया तो प्लस में हम लोग रिमाइंडर का जगह 45 लिख देंगे। तो यहाँ भी आपको आर जो है इक्वल नॉट टू 0, मतलब आर जो है 0 से इक्वल नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या कीजिएगा कि 90 को हम लोग यहाँ लाएंगे, यानी इसको डिविडेंड बना देंगे 90 को, तो 90 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे कि 45 को यहाँ लाएंगे, यानी 45 आपका डिवाइडर हो जाएगा, तो 45 से डिवाइड कीजिएगा 90 को, तो 2 टाइम्स लगेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो ये 45 जो है वही आपका HCF हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कि HCF इज इक्वल टू 25 आंसर, यही आपका HCF है। धन्यवाद, आप लोग इसको सीख पाए, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।